उत्तर प्रदेश मेरठ के कोतवाली इलाके में शुक्रवार रात दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मामूली से विवाद में कहासुनी के बाद पथराव हो गया। देखते ही देखते हवाई फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15 से अधिक राउंड फायरिंग होने पर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर सीओ कोतवाली तीन थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। रात में पुलिस फोर्स ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी। पुलिस ने रात में दो युवकों को हिरासत में लिया है, वहीं घायल युवक को अस्पताल में भेजा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा निवासी मईनुद्दीन की सुबहदास गेट के पास दूध की डेयरी है। शुक्रवार शाम 7 बजे मईनुद्दीन का पड़ोसी चौधरी इलियास से रास्ते को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई के बाद गाली गलौज हो गई। बाद में आसपास के लोगों ने दोनों में बीच बचाव करा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में रात में पंचायत हुई, जिसमें आपस में मामला निपटाने की बात कही। तभी रात में 9:30 बजे आरोपी इलियास पक्ष के लोगों ने डेयरी व्यापारी मईनुद्दीन के घर पर हमला बोल दिया। मारपीट करते हुए घर में पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया। रात में दोनों पक्षों से पथराव व फायरिंग की गई। बताया गया है कि एक युवक के पैर में गोली लग गई। मारपीट में मईनुद्दीन व एक अन्य महिला घायल हुई है। रात में सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया लिसाड़ी गेट कोतवाली और दिल्ली गेट पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। घटना को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मैं रोड पे मीटिंग में था, भैया अंदर बैठे हुए थे, तीन चार लोग रिश्तेदार गांव से आए हुए तो यहाँ बैठे हैं। 13-14 जनों ने आके यहाँ तोड़फोड़ कर दी, जिसका सब सीसीटीवी है। लाइसेंस हथियार से आबिद वकील पे इलियास पे बंदूक थी, धड़ाधड़ गोलियां चलाई, जिसका मैं आपको कैमरे के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये फुटेज दिखाना चाहता हूँ। 85 में मेरे फादर का मर्डर हुआ है, जिसका आज तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। हम दो भाई हैं, अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम आगा करके आए थे, फोर्स को बता के आए थे, उसके बाद हमारे यहाँ हमला हुआ। लाइसेंसी हथियारों से गोलियां चला रहे हैं वहां खड़े होकर। हमने बताया सीओ साहब के ऊपर ईंटें चढ़ी हुई हैं, ऊपर वो पथराव हथियार लेकर चढ़े हुए हैं। पुलिस ऊपर नहीं गई, होकर चली गई कि यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद ये देखिए सीसीटीवी के माध्यम से लाइसेंसी हथियार बंदूकें कैसे ले रहे हैं।